हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों बोले तो चार इयर्स ऑफ ट्यूबलाइट। जी हाँ दोस्तों, 2017 में आज ही के दिन ये मूवी रिलीज हुई थी, सलमान खान, सुहेल खान। जी हाँ दोस्तों, बोले तो इस मूवी को डायरेक्ट किए थे बोले तो कबीर खान। जी हाँ दोस्तों, ये एक इमोशन मूवी था दोस्तों। बोले तो सलमान खान का जो इसमें रोल था बोले तो एक इमोशन वाला रोल था, एक बोले तो कम दिमाग, जैसे बोलते हैं ना छोटा बच्चा वाला दिमाग, वैसा टाइप का रोल था। इसमें शाहरुख खान का एक कॉमियो था दोस्तों, और ये मूवी रिलीज हुई थी ईद के दिन। जी हाँ दोस्तों, और सलमान खान बोले तो ईद दोनों सेमी सेम है। सलमान खान की मूवी ईद पे ही आती है, आप सबको पता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये मूवी डिजास्टर साबित तो नहीं हुई थी, लेकिन फ्लॉप बोल सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं। आपको बता दूं कि सलमान खान की ये मूवी बोले तो ऑडियंस को पसंद नहीं आई थी। बोले तो सलमान खान जब लोग थिएटर से बाहर निकल रहे थे, लोग बोले थे ये क्या कर दिया सलमान खान ने, ये कैसा बना दिया मूवी। बोले तो उससे पिछले साल सुल्तान मूवी आई थी जो कि फाड़ दी थी पूरा बॉक्स ऑफिस, लेकिन बोले तो बहुत निराशा मिला। और बोले तो ईद के दिन जो सलमान खान ईदी देते हैं फैंस को, उस टाइप का ईदी नहीं दे पाए थे। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं मूवी के अंदर जो स्क्रिप्ट थी दम नहीं था दोस्तों। सलमान खान का जो रोल था उसमें मजा नहीं आया था, क्योंकि सलमान खान ऐसे रोल में ऐसे भी परफेक्ट नहीं दिखते हैं। तो दोस्तों ट्यूबलाइट एक फ्लॉप मूवी है, ये सभी को पता है, लेकिन दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे ये फिर भी एक अच्छा कमाल किया था सिर्फ सलमान खान की वजह से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नाम ही ऐसा है दोस्तों, सलमान खान मतलब कि एक ब्रांड है यार बंदा, मतलब कि सलमान खान के नाम पे ना 121 करोड़ लाइफ टाइम बिजनेस किया था बॉक्स ऑफिस पे। अगर दूसरा स्टार की ये मूवी होती ना दोस्तों, शायद 50 या 45 करोड़ पे लिपट जाती, लेकिन दोस्तों सलमान खान इसको लेके गए 121 करोड़। सुनने में भी अजीब लगता रहे, 121 करोड़ कमा के भी फ्लॉप दोस्तों। स्टोरी फ्लॉप थी, बॉक्स ऑफिस की कमाई फ्लॉप नहीं थी। फायदा तो मिला ही, कबीर खान को ज्यादा मेहनत नहीं लगा मूवी बनाने में और ज्यादा पैसे खर्च नहीं हुए थे इस मूवी में। सिंपल सी स्टोरी थी, एक ही जगह पर पूरी मूवी को खत्म किया बंदे ने। सुहेल खान ऐसे भी सलमान खान के लिए बोले तो अनलकी है, जिस मूवी में सलमान खान के साथ सुहेल खान दिख गया ना बोले तो वो मूवी फ्लॉप हो ही जाती है। एक दो हिट है लेकिन बाकी के फ्लॉप हो ही जाती है। तो सलमान खान को ना सुहेल खान को लेके मूवी बनानी नहीं चाहिए, खास करके अपने साथ में ऑपोजिट में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों आज सेलिब्रेशन है चार इयर्स बोले तो ट्यूबलाइट का। मैं एक ही चीज बोलूंगा सलमान खान से कि सर अपनी जिंदगी में ट्यूबलाइट जैसी फिल्म बनाओ, आप वैसा रोल करो, लेकिन स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए जैसे बजरंगी भाईजान का था, फाड़ू। तो बस भाई इतना ही। आप लोगों को ट्यूबलाइट आज देखते हो तो कैसी लगती है, अब हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। अगर अभी तक आप लोग ट्यूबलाइट नहीं देखे हो तो एक बार जरूर देख लो, क्योंकि सलमान खान कम बेसी ठीक ठाक ही रोल किए थे। तो बस भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।